शेषोन्मुखा द्वारि निवारयन् फणैः, शेषी पीछे से छाया करते करते चल रहे हैं। और गोकुल में जाकर, नंद महल में जाकर के बाल कृष्ण को सुला दिया, कन्या को लेकर के आए। और कन्या ने मथुरा में आकर जैसे ही रोना शुरू किया, कंस गिरता पड़ता हुआ आया, कन्या को छीन कर पटक कर मारने लग गया। कन्या हाथ से छिटक कर आकाश में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। अरे दुष्ट कंस, तेरे मारने वाले ने ब्रज में अवतार ले लिया है, तू क्यों व्यर्थ में बसते देवकी को सता रहा है। आज भी भगवती विंध्यवास विंध्याचल में विराजमान है। माता जी जो ऊपर जो योग माया है विंध्याचल में अष्टभुजी, उनके चरण में आज भी कंस के पकड़ने की उंगली बनी हुई है। हमने अपनी आंखों से दर्शन किया, वहाँ के भगवती के अर्चकों ने हमको भीतर ले जाकर दर्शन कराया। कंस ने जो चरण पकड़े हैं, कंस की उंगलियों के चिन्ह बने हैं आज भी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पहले वाराणसी में अध्ययन करते थे, और वाराणसी में अध्ययन करके करते करते वैराग्य हो गया, और वहाँ से चलकर महाराज जी सबसे पहले विंध्याचल आए थे। विंध्याचल में 7-8 महीने महाराज जी रहे, कठोर तप किया, और वहीं भगवती ने उन्हें आदेश दिया कि तुम ब्रज में चले जाओ। तो भगवती विंध्यवासिनी की आज्ञा से ब्रज में, और ब्रज के महान गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ब्रज मंडल में प्रतिष्ठित हुए। हम आपको सत्य कहते हैं, पूरे ब्रज में 84 कोस ब्रज में ब्रजवासियों का जैसा प्यार पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, गिरिराज जी वाले बाबा हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने जैसा ब्रजवासियों का प्यार प्राप्त किया, वैसा प्यार प्राप्त करना अतिशय कठिन है। हमारे गिरिराज जी के आम 7 कोस के ब्रजवासी थे, के हम बाबा है महा अपने घर को बड़ो बूढ़ो समझे, हमारे घर के बाबा हैं ये, तो बाबा हमारे, ये तो हमारे अपने घर के, ऐसी सरलता पूज्य महाराज। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।